आईपीओ, आईपीओ की जब बात आती है तो हमें डीमार्ट, आईआरसीटीसी, अभी रिसेंट में जो आईपीओ आया बर्गर किंग, उनके नाम इमिजिएट हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिया हुआ है कि वो भूल पाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से कई ऐसे आईपीओ भी आगे आने वाले हैं जिनमें हम इस तरह के रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब रिटर्न्स हम कोई भी हो, जब देखते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कि मुझे 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल जाए। बट रिटर्न्स को अगर हम देखेंगे तो ऐसे भी कई सारे रिटर्न्स हैं जो आगे आने वाले मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा हमें बेनिफिट दे सकते हैं। तो रिटर्न्स को अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को हम सेम वेटेज या दोनों को हम सेम अहमियत देंगे अगर हमें रिटर्न्स अच्छी तरह से अर्न करना है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे वो आज के दिन के लिए मेरे यूज के लिए होंगे, और जो लॉन्ग टर्म वाले होंगे वो आगे आने वाले 5, 10, 15 साल, 20 साल में मुझे उस टाइम की जरूरत के लिए रहेंगे। तो दोनों को हमें सेम वेटेज देना है। कभी भी हम सिर्फ लॉन्ग टर्म या सिर्फ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दोनों का हमारे पास मिक्सचर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो आईपीओ के बारे में समझने जा रहे हैं, वो आईपीओ मैं आपको या हम आपको रिकमेंड मेनली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि 10 दिन में ये काफी अच्छा रिटर्न्स दे दे आपको, या महीने भर में काफी अच्छा रिटर्न्स दे दे, बट मेरा पर्सनली आपको रिकमेंड ये होगा कि आप इस आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इमीडिएट मत निकालिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। स्पेशली ये आईपीओ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो आगे आने वाले 5, 10 साल, 15 साल में काफी अच्छा रिटर्न देने के आसार है। तो समझते हैं इस करंट आईपीओ के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ऐसा इस कंपनी का नाम है जिसका अभी आईपीओ चल रहा है। आज सेकेंड डे है और कल थर्ड डे, मतलब लास्ट वाला दिन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कल 1 बजे तक ही हम इस आईपीओ को अप्लाई कर पाएंगे। नो डाउट हमारे पास एक और या दो और घंटे होंगे अप्लाई करने के लिए 1 बजे के बाद, बट वो चांस हमें नहीं लेना है। हमें अगर अप्लाई करना है तो कल, मतलब 23rd को हम 1 बजे तक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं आगे इन्फॉर्मेशन। आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं 2 मिनट में आपको हमारे ETI, मतलब एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ये स्टॉक मार्केट कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली बहुत ही एक रेप्यूटेड कंपनी हो गई है। स्पेशलाइज फोकस होता है हमारा कि स्टूडेंट को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडर बनाना और उनको इन्फॉर्म इन्वेस्टर बनाना। आप हमारे कोई भी कोर्सेज करने के बाद किसी भी तरह से, हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, उन रास्तों में से किसी भी एक चीज को चुनकर आप अपना जो रेगुलर अर्निंग का जो आपका मोटिव है या आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। और अगर आपको रेडीमेड रिकमेंडेशंस भी चाहिए तो भी हम आपको अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनसे आप अपना वो जो कंफर्मेशन है वो ले सकते हो। गूगल पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू डाला हुआ है, उसको देखकर आप हमारे टीचिंग क्वालिटी को और हमारे रिसर्च की क्वालिटी को आजमा सकते हो। हम आपको शुभारंभ सेशन एक देते हैं 3 दिन का, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उस सेशन के जरिए आपको ये पता चल जाता है कि एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाते हैं, समझाते हैं, कौन से एग्जाम्पल लेते हैं, और उनका समझाने का या सिखाने का तरीका वो समझने लायक है या नहीं है। और आपको ये कोर्स करने के बाद, किसी भी तरह का कोर्स करने के बाद, अर्निंग का पोटेंशियल है कि नहीं, वो शुभारम्भ के 3 दिन के सेशन में, जिसमें एक एक घंटे का हम 3 सेशन लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है। हम सारे एक्सचेंज रिलेटेड सर्टिफिकेशन हमारे पास है, और हम डायरेक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में MFD करके मेंबर है डायरेक्ट,
और हमारा टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड है, जिसके ऊपर डिपेंड रहकर हम हमारे स्टूडेंट को काफी अच्छा रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे स्टूडेंट्स को हमारा जो प्राइवेट जो हमने डेवलप किया है टेक्निक और स्ट्रेटेजीज वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग कर पाता है। हम एमपी में भी रजिस्टर्ड है और हमारे जो मेन ट्रेनर है, मेरा ही नाम है, मैं ही हूँ वो, और मेरा नाम प्रवीण धुरी है। मैंने सारे जो मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ब्रोकर्स है वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो काफी सारा नॉलेज लेकर हम आपके सामने हैं आपको कोर्सेस मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने के लिए। ठीक है, हमारा कल्याण में मेन ऑफिस है जहाँ पे 3 क्लासरूम है, और आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हो। और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो 8879862452 ये नंबर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। एंटोनी वेस्ट ये जो कंपनी है, ये वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स में से है जो इंडियन एमएसडब्ल्यू मैनेजमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एमएसडब्ल्यू क्या होता है वो अभी आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। ये कंपनी पूरा एमएसडब्ल्यू की सर्विसेज के रिलेटेड सब कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि कलेक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रोसेसिंग हो या जो भी हो, और अक्रॉस कंट्री इनका ये कामकाज चलता है। और मेनली ये म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। MSW जो मैंने अभी आपको बताया कि आगे के स्लाइड में हम समझेंगे, MSW वेस्ट मैनेजमेंट में होता क्या है, तो ये समझते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, MSW। ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब MSW इज डिफाइंड एज वेस्ट कलेक्टेड बाय द म्यूनिसिपलिटी और डिस्पोज ऑफ एट म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो हम घर का, ऑफिस का या कमर्शियल या कहीं पे भी जो कचरा होता है वो जो हम जो हमारे पास से म्यूनिसिपलिटी लिखी जाती है उसको वो प्रॉपर तरीके से कलेक्शन और जो कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वेस्ट होता है उनको यूज करके उससे कुछ ना कुछ अच्छा, या उसको जो वेस्ट करना होगा उसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट करना इनका काम होता है। इसका ये स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये वैल्यू चेन होता है, किस तरह से कलेक्शन होता है, किस तरह से क्या होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा इसी का ये डायग्राम के तरह से आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये घर का खर्चा, कचरा कलेक्शन होता है, फिर वो एक जगह पे आता है, फिर वहां से दूसरी जगह पे जाता है, फिर ऐसा 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 ये पूरा चेन है जो प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल एंड में इस तरह किया जाता है। ठीक है, अब एक और हम डायग्राम देखेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा और क्लियरेंस समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये वेस्ट मैनेजमेंट MSW वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये एंटोनी वेस्ट जो कंपनी है, इसके अलावा और कौन सी कंपनीज है जो ये वेस्ट मैनेजमेंट करती है, तो ये पूरा लिस्ट है कंपनीज का जिसमें सेकंड नंबर पे इस एंटोनी वेस्ट का नंबर लगता है। कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ये करता है, ट्रीटमेंट डिस्पोजल करता है, और लैंड ग्रीन फिल्स भी ये करता है। इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों एंटोनी वेस्ट पैसा कलेक्ट कर रही है, तो अब हम समझेंगे कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है। पार्ट फाइनेंसिंग फॉर PCMCWT प्रोजेक्ट, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है PCMCWT प्रोजेक्ट, TE प्रोजेक्ट। इसमें ये जो इनका जो सब्सिडियरी है इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग किया है, और जो उन्होंने बॉरोइंग लिया है, कर्जा लिया है या डेट है उसको वो कम करने की कोशिश करेगा, रिडक्शन करेगा, पूरा नील नहीं करने वाला है, इसको कम करने वाला है प्री पेमेंट करके कुछ पोर्शन में। और जो कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं ना कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे छोटे उसके रिलेटेड ये यूज करने वाली है कंपनी। प्रोजेक्ट अंडर एंटोनी वेस्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट इनके अंडर है, तो ये सारे प्रोजेक्ट के पूरे डिटेल लिस्ट है, डिटेल लिस्ट नहीं है एक्चुअली, जो टॉप 18 है उन्हीं का ये लिस्ट है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट ये एंटोनी वेस्ट कर रही है जिसमें इनका जो एक्सपर्टाइज है उसका पूरा यूज होने वाला है। मेनली अगर आप एरियाज चेक करोगे
तो ठाणे, नवी मुंबई, मैंगलोर, नोएडा, ये दहीसर मतलब मुंबई साइड में, ऐसे कई सारी जगह पे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है म्यूनिसिपैलिटी के पास। नंबर ऑफ व्हीकल कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो व्हीकल्स चाहिए उसमें उनका ओन जो व्हीकल्स एंड अदर चीजें है वो, ये सब उनका जो एसेट है जिनको बोल सकते हैं वो उसका लिस्ट है। ये इस तरह का व्हीकल्स ये यूज करते हैं, आपने कई बार रोड पे देखा होगा इस तरह के व्हीकल्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इस एम्प्लॉय के लिस्ट से या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के फिगर से ही आप जान पाओगे कि कितना वास्ट नंबर ऑफ इनका जो प्रोजेक्ट और इनका काम का चल रहा होगा। टोटल ऑपरेशंस और ड्राइवर्स और लेबर 7,300 है, अकाउंट्स में 30, एडमिनिस्ट्रेशन में 14 और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एचआर में 23 लोग इनके अंदर। टोटल 7,391 इनके टोटल एम्प्लॉयज है। शेयर होल्डर और प्रमोटर का ये पूरा लिस्ट है। ये जेकब जोस करके है जिनका मेजर स्टेक है इसमें, और 20.5% इनका मेजर स्टेक है, और 6% के करीब करीब शिजो जो चौकअप करके है उनका है, और ये एंटोनी शिजो जो है उनका 0.14% है। बाकी सब जो स्टेक होल्डर है उनका ये नीचे लिस्ट दिया गया है। टोटल ये 26 और ये 51। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2018 से 2020 तक का अगर हम रिकॉर्ड इनका देखें तो टोटल रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है 2018 में 2,900 था, 2019 में 3,000 हो गया, थोड़ा सा 85 करोड़ इनका बढ़ा, और फिर 2020 में 4,646 हो गया, मतलब लगभग इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ, और लास्ट 6 मंथ का अभी तक का उनका जो रेवेन्यू है वो 2,151 है, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने ईयरली का करीब करीब 70% अचीव कर लिया इस 6 महीने में। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात किया जाए तो 2018 में इन्होंने 487 करोड़ कमाए थे, 2019 में 476 और 2020 में मार्च के एंड में 819, मतलब लगभग डबल के करीब उनका प्रॉफिट बढ़ गया, और इस 6 महीने में लास्ट 6 महीने में उनका 300 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इनका नेट सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट यस डेट उनका बढ़ रहा है क्योंकि इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सामान सामान चाहिए होता है या जो ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉयज चाहिए रहते वो वास्ट लेवल पे चाहिए होते, तो इनका पता कर दो आपको कि डेट इनका बढ़ रहा है ईयर टू ईयर ऑन ईयर। जो कंपैरिजन डेटा है वो अगर हम देखने जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका ये डेटा है 2018 का 744, 19 का 824, 20 का 1361 और सितंबर तक इन्होंने 546 कर दिया है, जो काफी प्रॉमिसिंग है। और जैसे जैसे इसका रीच सभी जगह पे बढ़ जाएगा इसका और भी काफी अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत कम प्लेयर है और आगे जाकर वेस्ट मैनेजमेंट में कंपलसरी काफी सारे म्यूनिसिपल पर कॉर्पोरेशंस को प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने ये जो लिस्ट देखी होगी पहले वाली कौन को कहाँ कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट चालू है, अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि जो मेनली मेन मेन सिटीज है उन्होंने ही ये सारी चीजें एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन आगे जाकर बहुत सारे रूरल एरिया के भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरह के प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनीज को देने की चांसेस है, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस है जो आगे जाकर काफी अच्छा बड़ा होने का चांसेस हमें लग रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नाम का चीज होता है कि उनको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो चाहिए होता है या होता है उनका वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो हाई ग्रोथ इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो अमाउंट इन दिस इंडिकेट्स दैट कंपनी कैन सस्टेन इन इमरजेंसी सिचुएशन। कभी भी किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब आने वाला जो पैसा है वो रेगुलर आने वाला होगा तो वो ज्यादा कंपनी अच्छी तरह से टिक पाती है। इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, कंपनी शॉर्ट टर्म डेट भी टाइम टू टाइम
पे कर रही है और आगे भी पे करने के चांसेस रहेंगे, जो कम किसी भी कंपनी के लिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है। स्ट्रेंथ क्या है ये आईपीओ का? तो ये एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है इनका और टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्होंने काफी अच्छा इम्प्रूव किया है। इक्विपमेंट भी है इनके, वो काफी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट है, वो फिर व्हीकल हो या कुछ और हो। एक और पॉइंट मुझे आपको ये बताना था कि जो प्रमोटर्स है वो बहुत ही एक्सपीरियंस और काफी स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम है इनका, जो जो भी इनका प्रोजेक्ट बनता है कॉर्पोरेशन के साथ चलता है उनको एग्जीक्यूट करने में ये जो एक्सपीरियंस प्रमोटर और टीम जो स्ट्रांग है इनके, वो काफी अच्छा बड़ा और अच्छा प्ले करेगी रोल इस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रोथ में। ठीक है, वीकनेसेस क्या है? तो अगर कुछ बजट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर कम हो गया या कुछ और टावाडोल हो गया, क्योंकि ये पूरा मैक्सिमम बिजनेस इनका जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर है, मैक्सिमम क्लाइंट्स इनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही है, तो उनका अगर बजट आगे पीछे हो गया तो हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट के ऊपर असर हो या इनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर असर हो। और जब भी कंपनी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इंक्लूड होती है तो वहां पे थोड़ा एम्प्लॉय के रिलेटेड रिस्क कंपनी के ऊपर होता है, जैसे कि एम्प्लॉय का हेल्थ, एम्प्लॉय का कोई वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के टाइम पे कुछ आगे पीछे होना, मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई हेल्थ रिलेटेड या एक्सीडेंट रिलेटेड बहुत सारे रिस्क कंपनी के ऊपर है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा एम्प्लॉय का लिस्ट तो 7100 के करीब एम्प्लॉय इनके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है किसी भी कंपनी का उसका केयर करना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है किसी भी कंपनी के लिए, और उसमें अगर बहुत सारे केसेस ऐसे कुछ हो गए गलत जो नहीं होने चाहिए एक्चुअली, मतलब जैसे एक्सीडेंट होना या कुछ ऐसा जान माल का नुकसान होना, तो वो कंपनी के ओवरऑल रेपुटेशन और कंपनी के आगे के जर्नी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग साबित हो सकता है, तो वो एक इनका वीकनेस है। और इनकी जो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो भी एक बड़ा चैलेंज है, जिनकी वजह से आगे उनके वो लिमिटेड कस्टमर में से अगर एक दो कस्टमर भी कम ज्यादा हो गए तो उससे उनके ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी काफी ऐसा काफी बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में आपको और मुझे सबको पता है कि जो उनका पेमेंट आता है ना वो बहुत डिले होकर आता है, मतलब बहुत बहुत ही डिले होता है। नो डाउट प्राइवेट कंपनीज भी कभी कभी पेमेंट बहुत डिले करती है, लेकिन उनका जो पीरियड है प्राइवेट कंपनीज का डिले करने का और गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट का पेमेंट का जो है ये है डिले होने का चांसेस वो बहुत ज्यादा रहता है। उस दरमियान कभी अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई या कोई नया कॉर्पोरेटर आ गया या कोई भी कुछ भी ऐसा चेंजेस हुआ तो और ज्यादा डिले होने के चांसेस रहता है, तो ये एक और चैलेंज है एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। बट यस, वेस्ट मैनेजमेंट किए बिना कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी लोगों को समझ में आ गया है कि जो भी वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से अगर हम मैनेज नहीं किए उसको, अगर वेस्ट या डिस्पोजल नहीं किए तो हमारे हेल्थ के ऊपर और ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, तो ये उनकी मजबूरी होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि वो इस तरह की प्रोफेशनल कंपनी के तरफ से इस वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। बट फिर भी पेमेंट डिलेड होने का बहुत बहुत चांसेस होता है, और कंपनी के लिए अगर कैश फ्लो अगर रुक गया या पेमेंट डिले हो गया तो उनको सस्टेन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है 21, मतलब यस्टरडे ऑलरेडी ये चालू हो चुका है, और 23rd मतलब टुमारो ये क्लोज हो जाएगा। ये बुक बिल्डिंग इशू है, मतलब ये लॉटरी सिस्टम वाला इशू है। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का जो फेस वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू वो ₹5 पर शेयर है, और आईपीओ का जो प्राइस है वो 313 से 315 तक का है। टोटल 47 शेयर्स एक लॉट में होंगे, आपको सबको बता दो
कि कभी भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें लॉट साइज में अप्लाई करना पड़ता है, मतलब मिनिमम आपको 47 शेयर्स लेने ही पड़ेंगे। टोटल अमाउंट इस आईपीओ के जरिए इस एंटोनी वेस्ट जो कंपनी है वो पब्लिक से लेने वाली है वो है 300 करोड़, 300 करोड़ रुपया वो कलेक्ट करेगी। और एक लॉट को, जैसे मैंने बताया कि आपको लॉट साइज में अप्लाई करना पड़ता है, तो एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके अकाउंट में 14,805 रुपया होने चाहिए। तो कौन सा अकाउंट? तो बैंक अकाउंट, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट। पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में कहीं पे भी हो आपका आईपीओ अप्लाई हो जाता था। अभी आपको आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखना है। वो अप्लाई होने के बाद वो पैसा कहीं पे डेबिट नहीं होगा, वो ब्लॉक होगा। जब भी आपको आईपीओ में वो जो शेयर है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो अगर आपको एलोकेट हुए तो ये पैसा बैंक अकाउंट से कट होगा, वो भी आपने अप्लाई करने के बाद 7 से 8 दिन के बाद वो पैसा कट हो। तो ये है आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। बाकी अगर आपको हमारा व्यू जानना है तो हमारा व्यू है कि एज पर वैल्यूएशन हमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, ये अंडर वैल्यूड है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सेक्टर जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला सेक्टर है ये बहुत ही पोटेंशियल और प्रोमिसिंग है, और इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी एक्सपर्टाइज है ये आगे जाकर, मतलब नेक्स्ट 5, 10, 15 साल में ये काफी बड़े पैमाने पे बढ़ेगा। हर गांव, हर छोटे छोटे शहर में वेस्ट मैनेजमेंट आने वाला है। तो जो ऑलरेडी प्लेयर है और जो बहुत ही बड़ा प्लेयर है उनको बिजनेस मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, और अगर बिजनेस मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एक पर्टिकुलर पीरियड में वो पूरा प्रोजेक्ट मिल गया तो उनको प्रॉफिट भी उसी तरीके से मिल जाता है। फिर आज के दिन में, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस आईपीओ का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन 5 times हो चुका है, और इसका अच्छा लिस्टिंग, मतलब अच्छे प्रॉफिट में लिस्टिंग होने का चांसेस बिल्कुल बनते हैं। बट ये आईपीओ हम लोग लिस्टिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे, ये आईपीओ हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म मतलब कितना? तो कम से कम आपको 5 साल तक इसको होल्ड करना ही है। मैं चाहूंगा कि आप 5 साल क्या कभी बेचो ही नहीं, इस तरह की ये अपॉर्चुनिटी है। और हमारा अभी फाइनल कॉल ये है कि आप इस आईपीओ को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप से आप अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट में लॉगिन करके भी कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे जो नाम और नंबर दिए गए उस नाम और नंबर के ऊपर कॉल करके, मतलब इन नंबरों के ऊपर कॉल करके आप अप्लाई कर सकते हो। हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको ताबड़तोब डीमैट अकाउंट ओपन करने की हम कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप ये अप्लाई कर पाओ। लेकिन उसके लिए चाहिए कि आपको अभी के अभी तुरंत हमें कॉल करके डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बोलना पड़ेगा। आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने के लिए किसी भी तरह का आपको चार्जेस नहीं देने, और आपका डीमैट अकाउंट के लिए जो पर ईयर का चार्जेस होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, जिसको बोला जाता है AMC। तो थैंक यू सो मच, हमने जितने भी डिटेल्स आपको शेयर कर सकते थे उतने करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डिटेल से बहुत मदद मिलेगी आपको डिसीजन लेने के लिए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। बाकी धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम पे भी हम इसी तरह की किसी अपॉर्चुनिटी के साथ, एक वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।